राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति माहेश्वरी। और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि तुलसी की जो है सूखी लकड़ियों से किस तरह से हम जो है हवन कर सकते हैं। आज की वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी जो है तुलसी की इन लकड़ियों को नहीं फेंकेंगे, क्योंकि एक तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो है कितनी शुभ फलदायी होती है। ये जो हमारी सूखी हुई लकड़ी होती है तुलसी की, ये बहुत ही शुभ फल देती है। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि अगर आप इससे जो है 7 डंडियों का दीपक बनाकर कंप्लीट करते हैं और उससे विष्णु भगवान की आरती करते हैं तो बहुत ही शुभ फल देती है, घर परिवार के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ कि 7 डंडियों का जो है दीपक हमें कैसे बनाना है, कैसे कार्तिक मास में हमें उससे जो है आरती करनी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से देख कर आप जो है 7 डंडियों का दीपक बनाकर तैयार कर सकते हैं। और साथ ही साथ आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हवन हमें जो है इन लकड़ियों से कैसे करना है। जैसा मैंने कहा, बहुत ही शुभ फल देती है, घर में सुख समृद्धि को बढ़ाती है। और आज की वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी जो है तुलसी की लकड़ियों को नहीं फेंकेंगे। आपकी चिंता भी दूर होने वाली है कि तुलसी जी अगर सूख गई हैं किसी भी कारण से तो हमें उसकी डंडियों का क्या करना है, तुलसी का क्या करना है, कहीं विसर्जन करना है। तो देखिए, ये बहुत ही, जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ, अच्छा और शुभ फल देती है। तो आपको कभी भी तुलसी की सूखी हुई लकड़ियों को फेंकना नहीं है। उन्हें इस तरह से जो है टुकड़ों में कर ले और किसी भी छलनी के अंदर डालकर अच्छे से वॉश कर ले और सुखा ले धूप में। और उसके बाद जो है आप इससे जो है पूरे कार्तिक के महीने आप हवन करें। बहुत अच्छा महीना माना जाता है कार्तिक महीना जो होता है, वो विष्णु भगवान के लिए, कृष्ण भगवान की पूजा के लिए बहुत ही अच्छा महीना माना जाता है। तो आप पूरे महीने जो है थोड़ी थोड़ी लकड़ियां लेकर भी हवन कर सकते हैं। वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी कैसे हवन करना है। तो इस तरह से आप जो है विष्णु भगवान को खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं पूरे कार्तिक के महीने में। तो चलिए देखते हैं कि हमें हवन कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए, आप कोई प्लेट भी ले सकते हैं। मेरे पास ये हवन कुंड है, मार्केट में जो है छोटे बड़े साइज में, बहुत छोटे साइज में भी ये मिल जाता है। तो आप ये भी लेकर रख सकते हैं, क्योंकि पूरी नवरात्रि जो है मैं इसी में हवन करती हूँ। और नवरात्रि के दिनों में भी मैंने तुलसी जी की जो है लकड़ियों का हवन में यूज किया था। जैसे मैंने, जब भी आपके घर में हवन हो, विष्णु भगवान की कथा हो, तो तुलसी जी की लकड़ी का यूज जरूर करें। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से जो है आपको तुलसी की लकड़ियाँ लेनी है कुछ, और यहाँ पर थोड़ा सा हम इसके ऊपर इस तरह से कपूर डालेंगे। कपूर की जो है आरती विष्णु भगवान के लिए, सभी भगवान को बहुत प्रिय होती है। तो आप इस तरह से जो है एक कपूर रख दें, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हम इसमें इस तरह से घी डाल देंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरह से थोड़ा सा घी डाल देना है। और यहाँ पर देखिए, इस तरह से जहाँ पर भी आपका मंदिर हो वहाँ पर आपको इस हवन कुंड को रखना है, भगवान जी के ठीक बिल्कुल सामने। इस तरह से जो है आपको इसको जो है हवन कुंड के अंदर कपूर को और तुलसी जी की जो लकड़ी है उससे हवन करना है। और अग्नि प्रज्वलित करने के बाद आप जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप जरूर करें। इससे जो है हमारा हवन और ज़्यादा फलीभूत होता है। तो विष्णु भगवान के इस महामंत्र को जो है ज़रूर बोलते रहें हवन करते समय। तो ये कहलाया जाता है हवन तुलसी की सूखी हुई लकड़ियों का, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये हवन जो है आप थोड़ी थोड़ी लकड़ियों से जो है पूरा कार्तिक के महीने भी कर सकते हैं, नहीं तो आप एकादशी पे, द्वादशी पे, पूर्णमासी पे और प्रदोष जो व्रत होता है उस पर भी ये हवन कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, बहुत ही अच्छा होता है। तो ये तरीका है जो है तुलसी की सूखी लकड़ियों से हवन करने का। और जब हम तुलसी की लकड़ियों से जो है हवन करते हैं तो बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुगंधित जो है सुगंध निकलती है इसमें से तुलसी जी की। तो इस पॉजिटिव एनर्जी को आपको अपने पूरे घर में दिखाना है, यानी इस कुंड को जिसमें भी आपने हवन किया है, हर कमरे में, अपने घर के हर कोने में जो है आपके इस धुएँ को दिखाना है, पहुँचाना है घर के कोने कोने में, घर की छत पर भी आपको दिखाना है। और बाद में जो है एक स्थान पर, खुले में कहीं पर भी आप इसको रख सकते हैं। तो कार्तिक मास में इस पुण्य को ज़रूर कमाएं। कहते हैं तुलसी जी की लकड़ियों से हवन करने से, तुलसी की लकड़ी की बाती बनाकर आरती करने से हमें विष्णु भगवान की जो है असीम कृपा प्राप्त होती है। उनका जो है आशीर्वाद हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर बना रहता है, हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और विष्णु पुराण में आप पढ़ सकते हैं कि जो कोई भी जो है तुलसी की लकड़ी से हवन करता है, विष्णु भगवान की आरती करता है, उसको श्री हरि एक बार गले ज़रूर लगाते हैं, उनकी विशेष कृपा बरसती है उस परिवार पर। तो बहुत ही शुभ फलदायी होता है तुलसी की लकड़ी से हवन करना, श्री विष्णु भगवान की आरती करना। तो कार्तिक मास में इस पुण्य को ज़रूर कमाएं। और जब भी आप घर में हवन करें तो तुलसी की लकड़ियों का यूज़ ज़रूर करें।
28 अक्टूबर से जो है हमारा कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है, उस दिन जो है शरद पूर्णिमा है, तो उसी दिन से जो है कार्तिक मास में इस शुभ कार्य को करना शुरू कर दें। मैं भी जो है हवन का जो स्टार्ट करूंगी वो शरद पूर्णिमा से जो है हमारे घर में शुरू हो जाएगा। तो शरद पूर्णिमा के दिन से स्टार्ट करके आप रोज़ भी कर सकते हैं, नहीं तो जो विशेष दिन मैंने बताए हैं पूर्णमासी एकादशी, तो इन विशेष दिनों पर भी जो है आप इस हवन को कर सकते हैं, तो इसका लाभ ज़रूर उठाएं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। तो मिलेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।